दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं, तीन चीजें आपके सामने रखी हुई हैं, इनका आप कैसे प्रयोग करेंगे कि आपके अंदर जोश और ताकत भरपूर मात्रा में आएगी, आपका सेहत ठीक रहेगा, आपका वजन बढ़ेगा और आपकी अंदरूनी ताकत में वृद्धि होगी। फ्रेंड्स, आइए जानते हैं इन तीनों चीजों का आपको कैसे प्रयोग करना है। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल सत्या घरेलू नुस्खा में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आइए जानते हैं इस रेमेडी के बारे में कि इस रेमेडी का प्रयोग आप कैसे करेंगे कि आपके अंदर गजब की ताकत और जोश तथा स्फूर्ति आए। फ्रेंड्स, ये जो आप चीजें देख रहे हैं, देखने से ही आपको लग गया होगा कि ये क्या चीजें हैं। ये है दूध और ये जो आप देख रहे हैं, शायद इसके बारे में भली बात परिचित ना हो, ये है देसी गुड़। फ्रेंड्स, देसी गुड़ जो होता है ये आपकी सेहत के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है और ये चीज तो आप पहचान ही रहे होंगे, यह है छुहारा। तो फ्रेंड्स, इसका प्रयोग आपको कैसे करना है, आइए बिना देरी के आपको बता देते हैं। आपको लेना होगा 250 ml दूध और इसमें आपको प्रयोग करना होगा मात्र दो छुहारों का। इस तरीके से दो छुहारा आप लेंगे और इस दूध में डाल देंगे और इस दूध में डालने के बाद किसी बर्तन में आप इसे भली भांत पकाएंगे। जब ये 250 ml दूध मात्र 125 ml रह जाएगा, यानी 125 ml रह जाएगा, यानी आधा जल जाएगा, उसके बाद आप देखेंगे तो ये छुहारा फूल जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे कि अपने दूध को गैस से उतार लेंगे और ये जो आप देख रहे हैं देसी गुड़, इसकी मात्रा आपको 50 ग्राम लेना होगा और इसे मसल करके पाउडर बना के इसमें मिक्स करना होगा। मिक्स करने के बाद फ्रेंड्स, आपको इसका प्रयोग कैसे करना होगा ये जान लेते हैं। सुबह में जब आप ब्रश कर लेते हैं, आपका पेट खाली होता है, उस समय इसका आपको सेवन करना रहेगा। दोनों छुहारों को चबा चबा करके खाना रहेगा और ये जो मिश्रित दूध है इसे पीना रहेगा। फ्रेंड्स, इसका प्रयोग आपके अंदर इतनी ताकत भर देगा कि आप बुढ़ापे तक अपने आप को जवान महसूस करेंगे। फ्रेंड्स, छुहारा में तो आप जानते हैं कि अनेक प्रकार के तत्व पाए जाते हैं जो आपकी सेहत को बरकरार रखते हैं। फ्रेंड्स, ये जो देसी गुड़ है इसमें आयरन की भरपूर मात्रा पाई जाती है जो आपकी ब्लड की कमी को हमेशा बरकरार रखता है, कभी भी आपके अंदर ब्लड की कमी नहीं होने देता है। इसकी वजह से आपका जो धातु होता है वो पुष्ट होता है और अगर धातु आपका पुष्ट होगा तो आपको कोई भी परेशानी नहीं महसूस होगी। और मिल्क के बारे में तो आप जानते ही हैं कि इसमें कैसे कैसे तत्व, कैसे कैसे विटामिन तथा प्रोटीन पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस सामग्री का आप प्रयोग कीजिए और अपने सेहत को बरकरार रखिए। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मात्र इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई जानकारी लेकर। यदि आपको मेरी यह वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स।